welcome student today we will learn about health and physical education class 6 lesson number 1 muscular stamina endurance and cardiovascular endurance for more videos subscribe to our channel shivan's physical fitness exercise number 1 half squat steps first स्टैंड स्ट्रेट विथ अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर टू फिफ्टीन सेंटीमीटर बिटवीन योर फिट अपने पैरों के बीच बारह से पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी के साथ सीधा खड़े हो जाए रेजियो आर्म इन फ्रंट एंड शोल्डर हाइट अपने दोनों हाथों को कंधे की ऊँचाई पर सामने उठाए लोअर द बॉडी ऑन टोस टू तो हाफ स्कॉटिंग पोजिशन रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर अबाउट फाइव सेकंड पैरों की उंगलियों पर शरीर को नीचे की ओर झुकाक बैठने की स्थिति में लाए स्थिति में पांच सेकंड तक रहे रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजिशन विथ आर्म बाय साइड दोनों हाथ शरीर के बाजू में लेते हुए सीधे खड़े हो जाए इंस्ट्रक्शंस आर्म शुड नॉट बी लोअर टिल द कंप्लीशन ऑफ एंटायर वर्कआउट पूरा व्यायाम होने तक हाथों को नीचे नहीं लाना है बेनिफिट्स स्ट्रेंथेन थाई एंड काप मसल्स इंप्रूव बैलेंसिंग स्किल यह व्यायाम जांगों और पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत करता है संतुलन कौशल में सुधार करता है सेकंड एक्सरसाइज सिटअप्स स्टेप्स लाई ऑन योर बैक प्लेस द हैंड बिहाइंड द नेक एंड क्लैम द फिंगर ऑफ बोथ द हैंड टुगेदर पीठ के बल सो जाए हाथों को गर्दन के पीछे रखें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ लें। रेज द नी सो दे मेक एन एंगल ऑफ 90 टू 100 विथ लेग्स घुटनों को ऊपर उठाए ताकि वो पैरों से 90 से 100 का कोण बना सके रेज द बॉडी एंड ट्राई टू टच head टू द नी शरीर को ऊपर उठाए और सिर को घुटनों को छूने की कोशिश करे लोअर द बॉडी एंड लाई डाउन इन द स्टार्टिंग पोजिशन शरीर को नीचे करें और प्राथमिक स्थिति में लौट आए इंस्ट्रक्शंस डिस्टेंस बिटवीन द लेक शुड रिमेन सेम वाइल्ड एक्सरसाइजिंग व्यायाम करते समय पैरों के बीच की दूरी सही रहनी चाहिए बेनिफिट्स स्ट्रेंथेन बॉडी मसल एंड इंप्रूव स्टेमिना यह व्यायाम शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और सहन शक्ति में सुधार करता है एक्सरसाइज नंबर थ्री चिनअप्स स्टेप्स होल्ड ऑन टू अ सिंगल बार एंड हैंग ऑन इट द पाम शुड बी टूअर्ड द फेस द थम शुड ग्रीप द बार फ्रॉम अंडर ने वाइल हैंगिंग कीप द एल्बो स्ट्रेट बोथ द आर्म शुड बी एट अ शोल्डर ब्रिज डिस्टेंस सिंगल बार को पकड़े और उस पर लटके हथेलियाँ चेहरे की ओर होनी चाहिए अंगूठे से बार के नीचे पकड़ना चाहिए लटकते समय कोहनियों को सीधा रखे दोनों हाथों के बीच कंधे इतना अंतर होना चाहिए विध प्रेशर ऑफ द आर्म लिव द बॉडी अपवर्ड सो दैट द चीन इज द बार दाइल रेजिंग द बॉडी द लेग शुड रिमेन स्टडी हाथों के दबाव से शरीर को ऊपर उठाए ताकि चीन बार के ऊपर रहे जब शरीर ऊपर उठाए तब पैरों को स्थिर रखें लोअर द बॉडी वाइल्ड स्टील हैंगिंग एंड डू नॉट अरेस्ट द फीट ऑन द फ्लोर लाइक वाइज रेज द चीन अब द बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लटकते हुए शरीर को नीचे करे पैरों को फर्श पर न टिकाए इसी तरह चिन को अधिकतम बार ऊपर ले जाए इंस्ट्रक्शंस: वाइज डूइंग द चिन ऑफ आर्म शुड बी स्ट्रेट द ग्रिप शुड बी फर्म, लेग शुड नॉट जर्क चिनअप्स करते समय हाथों को सीधा होना चाहिए पकड़ मजबूत होनी चाहिए और पैरों को झटका नहीं लगना चाहिए बेनिफिट्स इंक्रीजे स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म इंक्रीजेस मस्कुलर स्टेमिना यह व्यायाम हाथों की ताकत बढ़ाता है मांसपेशियों की सहन शक्ति को बढ़ाता है एक्सरसाइज नंबर फोर पुशअप्स विथ वॉल सपोर्ट स्टेप्स स्टैंड थर्टी टू फोर्टी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल दीवार से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हो प्लेस बोथ हैंड्स ऑन द वॉल स्लाइटली शोल्डर हाइट द फिंगर शुड पॉइंटेड अपवर्ड दोनों हाथों को कंधों से थोड़ा ऊपर दीवार पर रखें उंगलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए प्रेस द बॉडी वेट ऑन द हैंड्स बेंड द एल्बोज रेज द टोज मूव टूअर्ड द वॉल एंड टच द चीन टू द वॉल एंड देन ब्रिंग द हैंड्स बैकवर्ड While डूइंग दिस एक्सरसाइज do नॉट बेंड अ बैक शरीर के भार को हाथों पर दबाए कोहनियों को मोड़े पंजों को ऊपर उठाए दीवार की ओर बढ़े और चीन से दीवार को स्पर्श करें और फिर हाथों को पीछे की ओर ले आए इस व्यायाम को करते समय पीठ को न मोड़े Initially do the exercise एक्सरसाइज स्लोली एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीजेज द स्पीड प्रारंभ में व्यायाम धीरे धीरे करें अभ्यास से गति बढ़ जाती है इंस्ट्रक्शन रेस द टोज वाइल डूइंग एक्सरसाइज टेक केयर डैट यू डू नॉट बैंक द फेस और दीन ऑन द वॉल व्यायाम करते समय पंजों को ऊपर उठाए ध्यान रखें आपका चेहरा या चीन दीवार पर जोर से न लगे बेनिफिट्स इंक्रीजेस मस्कुलर स्टेमिना इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म्स यह व्यायाम मास्पी की सहन शक्ति को बढ़ाता है और हाथों की ताकत बढ़ाता है एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट सिटअप्स डैश बॉडी मसल एंड इंप्रूव डैश आंसर इज एंड स्टैमिना सेकंड वाइल डूइंग पुशअप्स डू नॉट बेंड द डैश आंसर इज बैक थर्ड raise the dash while doing the push-up answer is toes question number 2 answer the following questions first what distance should be kept between feet when doing half squat answer is stand straight with distance of 12 centimeter to 15 centimeter between your feet second what angle should be maintained between the knees and legs while doing sit-ups answer angle should be maintained between the knees and the legs 90 to 100 degree third what are the instructions to be followed while doing chin-ups answer whilst doing the chin-ups arm should be straight the grip should be firm, leg should not jerk. How far should one stand from the wall while doing push ups? Answer Stand 30 cm to 40 cm away from the wall. Cardiovascular Endurance Exercise number 1 Jumping high in front. Steps stand placing both the feet 10 cm to 15 cm apart from each other दोनों पैरों को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं bending the knees pull the body slightly backward and putting force on the toes jump high in the front घुटनों को मोड़कर शरीर को थोड़ा पीछे की ओर खींचे और पंजों पर बल लगाकर आगे की ओर ऊंचा कूदें. आफ्टर द जम्प स्टैंड स्ट्रेट एंड मेंटेन द बैलेंस कूदने के बाद सीधे खड़े हो जाए और संतुलन बनाए रखे वाइल्ड जम्पिंग स्विंग द आर्म बिहाइंड विच हेल्प टू जम्प हायर एंड मेंटेन बैलेंस कूदते वक्त बाजुओं को पीछे की ओर घुमाए जिससे ऊंची छलांग लगाने में मदद मिलती है और संतुलन बना रहता है इंस्ट्रक्शंस अलवेज जम्प ऑन योर टोज डो नॉट जम्प ऑन हार्ड सरफेस हमेशा पैरों की उंगलियों पर कूदे कठोर सतह पर न कूदे बेनिफिट्स स्ट्रेंथन लेग मसल्स हेल्प टू इम्प्रूव बैलेंसिंग स्किल ऑफ द बॉडी यह व्यायाम से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर के संतुलन कौशल में सुधार करने में मदद होती है एक्सरसाइज नंबर टू सर्किट ट्रेनिंग कंटिन्यूस सेट ऑफ एक्सरसाइज स्टेप डू फोर पुशअप ऑन द फ्लोर फर्श पर चार पुशअप करें देन जम्प ट्वेंटी टाइम इन वन प्लेस फिर एक जगह पर बीस बार कूदे डू हंड्रेड स्टेप जॉगिंग सौ कदम जॉगिंग करें डू टेन पुशअप विथ वॉल सपोर्ट दीवार के सहारे दस पुशअप्स करें स्किप जंप हंड्रेड टाइम सो बार रस्सी से कूदे इंस्ट्रक्शंस डू नॉट स्टॉप बिफोर फिनिशिंग set. Complete द एंटायर सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक सेट खत्म करने से पहले न रुके संपूर्ण सर्किट प्रशिक्षण अभ्यास को पूरा करें बेनिफिट्स इंक्रीजेस मस्कुलर स्टेमिना हेल्प टू डेवलप कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पाइनल मसल यह व्यायाम मांसपेशियों की सहन शक्ति बढ़ाता है रीढ़ की मांसपेशियों के समन्वय को विकसित करने में मदद करता है एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वाइल्ड जंपिंग स्विंग द डैश बिहैंड second always jump on your dash answer is toes third in circuit training take a dash of to third minute after every set of exercise answer is break fourth circuit training helps to develop coordination of dash answer is spinal muscles fifth in circuit training jog dash tape do dash push-ups and dash skip-jump answer is 100 10 and 100 question number 2 answer the following questions first what are the benefits of jumping high answer is strengthen leg muscle help to improve balancing skill of the body second how many times should one do jumping Answer is, jump 20 times in one place. Third, what care is to be taken while jumping? Answer is, always jump on your toes. Do not jump on hard surface. Fourth, what are the instructions to be followed in circuit training? Answer is, do not stop before finishing a set. Complete the entire circuit training exercise, stress on precision.